तो सर आज आपको DBGC कम के में आप कॉलेज डे सेलिब्रेशन में आपको चीफ गेस्ट का रूप में बुलाया गया है, तो आप ये प्रोग्राम को लेकर आपका क्या विषय है? मैं 25th धोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कमकी में हमारे स्थानीय विधायक लिरमाबा की जमर गर्वे जी मुझे बुलाया और मैं आके उसकी जो उद्घाटन समारोह में मुझे ये चीफ गेस्ट के तौर पे मुझे बुलाया गया है और मैं उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। तो सर ये आज का ये प्रोग्राम को आप यहाँ में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा ये लगा? क्योंकि ये कॉलेज वीक जो है एक हर कॉलेज में अपने अपने कॉलेज वीक मनाता है जहाँ में अपने बच्चे अपने टैलेंट दिखाता है, हाउस वाइज कॉम्पिटिशन होता है, स्पोर्ट्समैन का होता है, कल्चर कॉम्पिटिशन होता है, ताकि कॉलेज में जो भी हमारे विद्यार्थी रहे वो एक जागरूकता लाए, अपने कैलिबर को दिखा पाए और आपस में कैसे कॉम्पिटिशन करना है, इस कॉम्पिटिशन के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को और आगे प्रशासन देना है, इसके तौर पर कॉलेज वीक मनाया जाता है। तो सर आज DBGC कमके के जनरल सेक्रेटरी और या प्रिंसिपल जो आपको मेमोरेंडम सबमिट किया है, तो उसको लेके आप फर्दर स्टेप क्या करने जा रहे हैं? धोनी पोलो कमके कॉलेज की जो प्रिंसिपल ने हमें साइंस स्ट्रीम की डिमांड किया है तो उसके लिए ऑलरेडी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा हुआ है। जब भी हमारी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो UGC की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे फैकल्टी मेंबर कमती है, जब भी हमारे फैकल्टी मेंबर इम्प्रूव हो जाएगा और स्पेशली साइंस फैकल्टी मेंबर हो जाएगा तो हम धोनी पोलो कॉलेज कमके को हम बिल्कुल प्रिफरेंस देंगे। तो सर ये GSP मेमोरेंडम सबमिट किया था 3 पॉइंट्स को लेके सबमिट किया, तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना? हाँ, जनरल सेक्रेटरी धोनी पोलो काम के कॉलेज की तरफ से हमें मेमोरेंडम दिया है 3 पॉइंट में। जितने भी हमें मेमोरेंडम दिया है उसमें हम हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्लानिंग डिपार्टमेंट पर चर्चा करेंगे और एज पर UGC की गाइडलाइंस में हमें तो हर हालत में करना पड़ता है। अगर UGC गाइडलाइन में हम नहीं करेगा तो उस कॉलेज की जो एक्रीडिशन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, और जो जो चीज़ UGC के गाइडलाइन में होगा हम जरूर करेंगे। तो सर जितना भी पब्लिक है और स्टूडेंट लोग सबको ये जो अभी 3 मेमोरियम सबमिट किया था इसको कब तक आप कर देगा, इस इंश्योर कर सकते हैं पर्सन? ये मैं आपको टाइम बाउंड हम कुछ भी बता नहीं पाएंगे। हमने कहा कि UGC की गाइडलाइन में हमारे पूरे अरुणाचल में 19 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें UGC की गाइडलाइन के सबसे हर कॉलेज को हमको उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और उसी के तहत हमारे जो जो रिसोर्सेस होगा उसके मुताबिक हम सबको जितना भी अरुणाचल में हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है और काम की स्पेशली काम के भी हम जरूर ध्यान रहेंगे। तो सर जितना भी अभी का यूथ है स्टूडेंट लोग सबको आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो हमारे यूथ को यही कहूँगा कि अपने जो पढ़ाई लिखाई है उसको ध्यान देना चाहिए, और आज की दौर में जो हमारे पेमाहान तो सरकार जो है आजकल जितना भी SSB कर दिया गया है, APSS कर दिया है, जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई में अच्छा करेगा, जो उसको हर चीज़ दरवाज़ा खुला है, चाहे नौकरी का हो, हर प्रोजेक्ट में जो अच्छा करेगा उसके लिए सरकार हमेशा साथ है। और आने वाले समय में आप देखिए गरीब से गरीब परिवार जो हमारे APSS में वो टॉपर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।